आया है नया साल खुशियां लुटाने, सारी दुनिया को मस्ती में झुमाने। सबकी जिंदगी में प्यार बढ़ाने, सबको हंसाने, जीना सिखाने। बदलेगा जहां, बदलेंगे ये दिन। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, ये जो सॉन्ग मैंने अभी गाया है, ये मेरा कंपोस्ट किया हुआ सॉन्ग है और इसे करीब, इसका हिंदी वर्जन है, इसे करीब 2 लाख लोगों ने देख लिया है और इसका इंग्लिश वर्जन है, ये 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसे देख लिया है। इसका भोजपुरी वर्जन भी मैंने गाया है। तो आप प्लीज़ नए साल पे इस सॉन्ग को बजा के अपना नया साल सेलिब्रेट करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है कि कौन सी ऐसी चीज है जो एक सिंगर को नहीं खानी चाहिए, एकदम कभी गलती से भी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, ये चीज मेरे गुरु जी को किसी ने पान में मिलाकर खिला दिया था और उसके बाद क्या हुआ, मेरे गुरु जी का जो आवाज था वो निकलना बंद हो गया। वो डॉक्टरों के पास गए, ENT डॉक्टरों के पास गए तो उन्हें बोल दिया गया कि आपकी आवाज अब वापस नहीं आ पाएगी। पर किसी तरह होम्योपैथ का इलाज करके मेरे गुरु जी बोलने लगे, लेकिन ये प्रॉब्लम उनके साथ 1 साल तक थी। सोचे दोस्तों, जो गाने वाला व्यक्ति है अगर वो गा ना पाए, वो बोल ना पाए तो कैसा फील करता होगा। किसी ने दुश्मनी के कारण उन्हें पान में सिंदूर मिलाकर खिला दिया था और कोई दोस्तों इतना ध्यान नहीं देता। पान खाने वाले व्यक्ति इतना नहीं सोचते कि कोई कुछ मिला तो नहीं दिया है, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ और करीब साल भर वो कुछ गा नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पाए और होम्योपैथ से उनका ये प्रॉब्लम किसी तरह दूर हुआ। तो दोस्तों, आप गलती से भी सिंदूर ना खाएं। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि सिंदूर पूजा में बहुत प्रयोग होता है और वो प्रसाद वगैरह में भी सिंदूर लगा होता है, जो कि अगर आप खा लें, अगर कुछ ज्यादा मात्रा में आपने खा लिया या उतना मात्रा में आपने खा लिया कि आपको गले में प्रॉब्लम हो जाए, तो वो आपके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हम प्रसाद समझकर उसको इग्नोर कर देते हैं, यह हमारी श्रद्धा है। पर दोस्तों, अगर सिंदूर आपने खा लिया और अटैक कर दिया आपके गले पे, तो उससे दिक्कत हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो केमिकल होता है। तो आप जब भी प्रसाद खाएं, सिंदूर हटाकर प्रसाद खाएं और एक एडवाइस है कि एक सिंगर को हमेशा हमेशा चीजें जांच परख के खानी चाहिए, कौन कब क्या मिला के आपको खिला दे। तो दोस्तों, हमेशा आप अलर्ट भी रहिए कि आपको कहीं कोई कुछ खिला न दे जेलसी से या किसी और कारणवश। तो सिंदूर दोस्तों, इसको आप कतई ना खाएं, भूल कर भी। अगर आपने गलती से खा भी लिया है तो आप जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास जाएं। सिंदूर बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही हानिकारक है गले के लिए। एक आम आदमी को भी इसको अवॉइड करना चाहिए।
और दोस्तों, एक सिंगर को जो चीज नहीं खानी चाहिए या कम खानी चाहिए वो है तला हुआ पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, सिगरेट या अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, और बहुत ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, और बस सिंदूर तो दोस्तों आपको खाना ही नहीं है, बाकी जो सारी चीजें मैंने बताई उनको आप कम से कम खाएं या नहीं खाएं तो बेहतर है, अगर आपको अपने गले का केयर करना है। नहीं तो आपकी मर्जी है, आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने गले को बचाना है तो जो चीजें मैंने आपको बताई आप उनको कम से कम खाएं या अवॉइड करें, और ये ध्यान दें कि आप गलती से भी सिंदूर नहीं खा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आशा है कि आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और एंजॉय करना भी चाहिए। तो दोस्तों, सी यू, बाय। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप मेरे वीडियोस सबसे पहले देख सकें।